नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लगे लॉकडाउन के बीच इस वक्त 15 साल की ज्योति कुमारी की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और हर तरफ ज्योति की मिसाल दी जा रही है। कई बड़ी हस्तियों द्वारा ज्योति की तारीफ होने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप भी उनकी मुरीद हो गई है और इवांका ने ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की है। इवांका ने ट्वीट कर लिखा कि 15 साल की ज्योति कुमारी अपने घायल पिता को अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर 7 दिनों में 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके अपने गांव ले गई। धीरज और प्रेम के इस खूबसूरत एहसास ने भारतीय लोगों और साइकिल फेडरेशन की कल्पना को दर्शाया है। दरअसल कोरोना संकट और लॉकडाउन के इस वक्त में देश भर में प्रवासी मजदूर अपने गाँव की तरफ लौटने को बेबस हैं। जैसे तैसे हर कोई अपने गांव पहुंचना चाह रहा है, ऐसे में ज्योति ने भी एक ऐसा साहसी कदम उठाया जिसे देखकर और सुनकर हर कोई चौंक गया। ज्योति के पिता मोहन पासवान कुछ महीने पहले एक हादसे में जख्मी हो गए थे, इसलिए वो अपने दम पर घर पहुंचने में असमर्थ थे। लॉकडाउन में पिता के फंसे होने से बेटी ज्योति परेशान हो गई और एक दिन खुद ही साइकिल उठाकर पिता को पीछे बिठाकर हजारों किलोमीटर के एक कठिन सफर पर निकल पड़ी। ज्योति ने बताया कि उसने पापा को साइकिल पर बिठाकर 10 मई को गुरुग्राम से चलना शुरू किया और 16 मई की शाम घर दरभंगा पहुंच गई। रास्ते में उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, हालांकि कुछ लोगों ने उनकी मदद भी की। ज्योति ने 7 दिनों में ही पिता को साइकिल के पीछे बिठाकर 1200 किलोमीटर का रास्ता नाप दिया। पिता के लिए ज्योति के इस समर्पण और प्रेम ने सभी को अभिभूत किया है और हर किसी ने ज्योति की तारीफ और हौसला अफजाई की है। वाकई ज्योति के साहसी कदम के बाद हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है और अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी ज्योति की फैन बन गई हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।